नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरू। पूर्वांचल का प्लान, क्या राजभर है बीजेपी का समाधान, ये तमाम खबरें आपको 7 बजे के स्पेशल बुलेटिन में हम दिखाएंगे। बात यूपी की सियासत की होगी, जहां आज एक बड़ा सियासी डेवलपमेंट हुआ है। करीब 4.5 साल बाद एनडीए में राजभर की घर वापसी हुई है। राजभर के इस यूटर्न से एक तरफ एनडीए के कुंबे का विस्तार हुआ है, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल का सियासी पैटर्न बदल रहा है। एक तरफ SP SP यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, दूसरी तरफ उनके बेटे अरविंद राजभर और बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें एनडीए के विस्तार में जुटी बीजेपी की मुहिम की सबसे नई वानगी है। जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने आज खुद ट्वीट कर सार्वजनिक किया है। करीब 4 साल बाद एनडीए में घर वापसी कर रहे ओम प्रकाश राजभर का पहला बार विपक्षी एकता पर ही रहा। विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, ये लोग एक नहीं हो सकते। तो फिर दिल्ली हमने बात की, तय हुआ कि एनडीए में पहले इनको शामिल करिए और हम लोग गरीब वंचितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई मिलकर के साथ लड़ेंगे। कहा जाता है राजनीति में एक और एक दो नहीं 11 होता है, और एनडीए में राजभर की एंट्री को बीजेपी के इसी कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। पहला, बीजेपी को यूपी में फायदा मिलेगा। दूसरा, एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। पहले समझते हैं यूपी की सियासत में ओम प्रकाश राजभर होने के मायने क्या हैं। यूपी के ज्यादातर सियासी दलों की नावों पर सवार हो चुके राजभर पूर्वांचल के कई जिलों में प्रभाव रखते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कैसे, उसे पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों से समझिए। 2017 में SP SP बीजेपी गठबंधन का हिस्सा थी, तब पूर्वांचल में एनडीए को 100 सीटें मिली थीं। 2022 में SP SP गठबंधन में थी, तब पूर्वांचल में एनडीए को 23 सीटों का नुकसान हुआ और वो घटकर 77 पर आ गया। आजमगढ़, गाजीपुर और कौशाम्बी में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। बस्ती और मऊ में बीजेपी एक एक सीट पर सिमट गई, जबकि बलिया और जौनपुर में उसे भारी नुकसान हुआ। पूर्वांचल के इन सभी जिलों में राजभर की पार्टी का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में 80 में 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे। पिता पुत्र ने मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एनडीए में शामिल हो गए। इसके साथ ही कल दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में वापसी की, जो पूर्वांचल में खासा प्रभाव रखते हैं। दारा सिंह ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा ज्वाइन की थी, लेकिन ताजा चुनावी मौसम को भांपते हुए फिर से बीजेपी में आ गए। इस पॉलिटिकल मैसेजिंग के जरिए बीजेपी दिल्ली में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की नुमाइश भी कर रही है। 17-18 जुलाई को ही विपक्ष भी बेंगलुरु में एकजुट होकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने का दम भर रहा है। 8 जुलाई को एनडीए के गठन के 25 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर बीजेपी ने एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 25 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जिन दलों को बुलाया गया है, उनमें चिराग पासवान और जीतनराम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक देश के कई छोटे राजनीतिक दल हैं, जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से बड़ा सियासी प्रभाव रखते हैं। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कल बेंगलुरु में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। बैठक से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की शर्त मान ली है। आम आदमी पार्टी ने भी न्योता कबूल कर लिया है और कांग्रेस ने बेंगलुरु में केजरीवाल के स्वागत की खास तैयारी कर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर खास है, क्योंकि बेंगलुरु की सड़कों पर केजरीवाल का ये पोस्टर कांग्रेस ने चस्पा करवाया है। इस पोस्टर ने 17-18 जुलाई को होने वाली विपक्षी एकता के सबसे बड़े सवाल से सस्पेंस हटा दिया है और अब तस्वीर साफ हो गई है कि केजरीवाल बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने भी
अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। संघीय ढांचे पर कभी भी कहीं भी कोई हमला हो, वो तमिलनाडु में हो, वो बंगाल में हो या वो दिल्ली में हो, हम उसके खिलाफ हैं। राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, उन अधिकार क्षेत्रों पर लगातार हमला मोदी सरकार करती आई है। दिल्ली का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, हम उस अध्यादेश के विरोध में हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव संघीय ढांचे की रक्षा करती है। विपक्ष एकजुटता में शामिल होने की आपकी उम्मीद आज सुबह ही परवान चढ़नी शुरू हो गई थी, जब कांग्रेस ने अध्यादेश पर नैतिक समर्थन का संदेश दे दिया था। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मीटिंग, वेट फॉर डे आफ्टर टुमारो, इट विल बी अ फ्रूटफुल कंटिन्यूएशन ऑफ द पटना मीटिंग। दरअसल विपक्षी बैठक में शामिल होने के लिए आपने कांग्रेस के सामने समर्थन की शर्त पेश कर दी थी। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर समर्थन जुटा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मुलाकात तक का वक्त नहीं दिया था। इसके बाद राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कांग्रेस से अध्यादेश पर समर्थन की मांग की, लेकिन जब केजरीवाल को कांग्रेस से कोई आश्वासन नहीं मिला तो वो विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बाय बाय बोलकर चले गए। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यादेश के समर्थन के खिलाफ है, जिसके बाद आलाकमान के सामने स्थिति असहज हो गई थी, लेकिन अब बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने आपकी शर्त स्वीकार कर ली है और बीजेपी दोनों पर सवाल दाग रही है। दोनों इकट्ठे रह के इलेक्शन लड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई है, ईमानदारी की हमेशा जीत होगी। सामने ये इकट्ठे रह के अलायंस करे ना करे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनका बहुत इंटरनल मैटर है, गुड लक टू देम। पूरा देश देख रहा है कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी अलायंस से डरी ना डरेगी। कल बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों का मजमा जुटने वाला है, जिसमें टीएमसी भी शामिल है, जो पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस पर काफी हमलावर रही थी, लेकिन अब एकजुटता का संदेश देकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रही है। अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। विपक्ष का संयोजक बनाए जाने पर चर्चा संभव है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी चर्चा संभव है। बैठक में साझा आंदोलन चलाने पर भी मंथन होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिस पर संयोजक बनाए जाने पर चर्चा होगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है, और बैठक में साझा आंदोलन चलाने पर भी मंथन किया जाएगा। तो बड़ी बैठक जिस तरह से होने जा रही, क्या कुछ एजेंडा उसका रहेगा, इससे जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको हम दे रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर ये बड़ी खबर है, और क्या जानकारी है हमारे पास इससे जुड़ी हुई, आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी हमें बताएंगे। आशीष, देखिए, ये बड़ी खबर है कि एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है, रणनीति बना ली गई है। अपने सोर्सेज ने बताया है कि जैसा आप जिक्र कर रही थी, साझा रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन मिल करके। बड़ी बात, प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से जो ऑपोजिशन 10 साल जिसने सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चलाया था, उसी नाम को कैरी किया जाए यूपीए, या फिर इस नए गठबंधन का नाम कुछ और रखा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी, समितियां गठित की जाए ताकि इन दलों के बीच में सीट शेयरिंग हो सके, जो सबसे ज्यादा जटिल समस्या आने वाली आगे चल के लोकसभा चुनाव के लिए। तो इस तरह के तमाम बड़े मसलों को लेकर के बैठक होगी। कल शाम को 2 घंटे की बैठक के बाद डिनर से पहले मुलाकात करेंगे, जो कि सोनिया गांधी की तरफ से सभी दलों को दिया गया है, और उसके बाद अगले दिन सुबह 11 बजे लेके शाम 4 बजे तक मंथन किया जाएगा। ये वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही मोदी सरकार को घेरने के लिए महंगाई का मुद्दा है, यूसीसी का मुद्दा है, अध्यादेश का मुद्दा है दिल्ली का, इन सभी मसलों को लेकर के भी ये सभी विपक्षी दल चर्चा करेंगे, और एक साझा कार्यक्रम के साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर फैसला क्या होता है, ये 2 दिन की बैठक के बाद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, आगे भी आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर रहेगी, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शरद पवार की, जो कल बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने वाले। लेकिन उससे पहले एनसीपी में नई हलचल तेज हो गई है, जिसने शरद पवार की पॉलिटिक्स पर सस्पेंस बढ़ा दिया है।
वाईबी चव्हाण सेंटर के बाहर की तस्वीरों ने आज महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया। तस्वीरों में नजर आ रहे अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत कई अजीत गुट के नेता आज शरद पवार से मिलने पहुंचे। श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनंती भी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक शरद पवार ने अजीत गुट की सिर्फ बातें सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इन तस्वीरों ने उन सुगबुगाहटों को फिर हवा दे दी कि क्या एनसीपी में उठी बगावत की स्क्रिप्ट शरद पवार ने लिखी। हालांकि बीजेपी इसे बड़ी बात नहीं बता रही। दूसरी तरफ आज मुंबई में ही नेता विपक्ष को लेकर एमवीए की बैठक हुई जिसमें एनसीपी शरद की तरफ से जितेंद्र अवहान और जयंत पाटिल शामिल हुए। बावजूद इसके अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि दो दिन पहले ही शिंदे सरकार में अजीत गुट के विधायकों को मंत्रालय मिल गया और शुक्रवार देर रात ही अजीत पवार चाचा शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे। हालांकि उन्होंने सर्जरी कराकर लौटी चाची प्रतिभा से मुलाकात की बात कही। एनसीपी में ये हलचल ऐसे वक्त में तेज है जब कल बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक है और शरद पवार इस एकजुटता के बड़े स्तंभ, लेकिन मुंबई से आ रही इन तस्वीरों ने विपक्ष की परेशानी बढ़ा दी है। 18 जुलाई की जो एनडीए की बैठक है उसमें कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यू, समता पार्टी, बसपा, टीएमसी सब बाहर हैं। हमारे यहाँ से छिटके हुए लोगों को लेकर के एनडीए बनाया जा रहा है। पिछली बार जब विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई थी तब एनसीपी एक थी और दूसरी बैठक से पहले दो फाड़ हो चुकी है। विपक्ष महाराष्ट्र के महाअघाड़ी के फॉर्मूले से 24 में बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश में था, लेकिन महाराष्ट्र में ही शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है और सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली बाढ़ के संकट से जूझ रही है, लेकिन जनता की समस्याओं को सुलझाने के इतर राजनीति इस वक्त जोरों पर हो रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार हथनी कुंड पर आमने सामने आ गई है। ये पुल दिल्ली में है, हरियाणा सरकार इसे क्यों रखना चाहती है? ये बड़ा बेसिक सा सवाल है। रखना चाहते तो आप इसे मेंटेन करिए, आप मेंटेन भी नहीं करते। एक सर्वे हुआ है जिसमें ये 5 गेट जाम है, सर्वे भी हुआ है और ये बहुत खतरनाक है। उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में अगर बाढ़ आ गई तो इसकी वजह से दिल्ली में पानी बढ़ जाएगा, ये लिखा है उस चिट्ठी के अंदर। उसके बावजूद जो है इन्होंने ना तो गेटों की मरम्मत कराई, ना इन्होंने हैंडओवर किया। खट्टर साहब, ये ITU का बराज आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए, क्यों रखना चाहती है हरियाणा सरकार इसको? ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है अगर उसमें कोई PhD चालू कर दी जाए ना तो इनको जरूर PhD मिल जाए। नियम है और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी के प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है।